मैं इस संदर्भ में इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में कुछ वर्षों से तीन तरह के जो ध्रुवीकरण हुए हैं उसके परिणाम स्वरूप इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही। एक ध्रुवीकरण है, एक तो जात के आधार पर ध्रुवीकरण, दूसरा धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण, और तीसरा क्षेत्रीयतावादी जो विचारधाराएं हैं उसके आधार पर। और मैं समझता हूं कि ये तीनों ध्रुवीकरण जो हैं वो हमारे राष्ट्रीय एकता, सामाजिक एकता के लिए सबसे बड़े खतरा। चुनावों के बाद देखा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियां सत्ता में नहीं आ रही हैं, बल्कि जातिवादी पार्टियां सत्ता में आ रही हैं, धार्मिक पार्टियां सत्ता में आ रही हैं, और क्षेत्रीयतावादी ताकतें सत्ता में आ रही हैं। और ये तीनों विचारधाराएं मूल रूप से भारतीय जनतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन। हमने कुछ साल पहले देखा कि किस तरह से एमएफ हुसैन को उनकी पेंटिंग पर कैसे विद्रोह कुछ लोगों ने किया, कितने कई लोगों के सिनेमा के विरुद्ध में सिनेमा हॉलों पर अटैक किया गया, पार्क में बैठे यंग लड़के लड़कियों पर अटैक हो रहा है, आज भी जारी है, रेस्तरा में बैठे लड़के लड़कियां चाय कॉफी पी रहे हैं उन पर अटैक हुआ। ये देश के तमाम हिस्सों में इस तरह की विचारधाराएं जो है वो बड़ी तेजी से पनप रही है। ऐसे में मैं मानता हूं कि जब तक इन तीनों विचारधाराओं के विरुद्ध एक सामाजिक जागृति का काम बड़े पैमाने स्तर पर नहीं होता है, ये दिन पर दिन हावी होते जाएंगे। कंपटीशन में एक दूसरे से कंपटीशन चल रहा है कि इन विचारधाराओं का कैसे दुरुपयोग किया जाए। हमारे देश की हिंदुत्ववादी शक्तियां जो हैं वह तालिबान की नकल कर रही है, वहीं पर हमारे देश के जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो हिंदुत्ववादी शक्तियों की नकल कर रहे हैं, और आस्था का सवाल समय समय पर उठाते रहते हैं। आस्था का सवाल इतना डेंजरस हमारे देश में इस समय हो गया है कि कोई भी इतिहासकार हो, साहित्यकार हो, लेखक हो, कुछ भी अगर सेकुलर ढंग से लिखता है तो उस पर आस्था का सवाल कर खड़ा करके ये कहा जाता है कि ये हमारी भावना, हिंदू कहता है हमारी हिंदू भावनाओं पर ये कुठाराघात है, मुस्लिम कहता है हमारी इस्लाम की भावनाओं पर कुठाराघात है। इस तरह का तर्क दे करके जनवादी मूल्य जो है हमारे देश में उसको कुचलने की कोशिश की जा रही है। कमल भारती के साथ जो हुआ वो ऐसी ही समझ सोच का परिणाम है। इसलिए मैं यहाँ ज्यादा न कुछ कह करके मैं यही अपील करता हूँ यहाँ तमाम पत्रकार और इंटेलेक्चुअल्स वर्ग के जो इकट्ठा है कि आपके कैपेसिटी में जैसे भी जिस रूप में हो सके इन तीनों विचारधाराओं के विरुद्ध एक सामाजिक जागृति का काम करें। और जब ये तीनों विचारधाराएं जब कमजोर होंगी इस देश में तभी यहाँ पर रियल सेकुलर सोसाइटी का विकास होगा, तभी यह देश एक सेकुलर देश कहला सकेगा। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण समस्याएं हैं इस समय इसकी। मैं उसी के परिप्रेक्ष्य में जो कुछ भी कमल भारती या दूसरे पत्रकारों या लेखकों के साथ जो हुआ है, कलाकारों के साथ हुआ है, यह इन्हीं एक डिवाइसिव आइडियोलॉजीज जो हैं इन्हीं के विकास क्रम में ये सब हो रहा है। और यह विकास क्रम इतना खतरनाक ये स्तर इसका हो गया है कि आज जो हमारे देश में सबसे बड़ा कम्युनल एलिमेंट है, जो सबसे बड़ा दंगाई है, उसको किस रूप में यहाँ ग्लोरीफाई किया जा रहा है,
इस देश पर कब्जा करने की बात चल रही है उसके द्वारा, ये हमारे सामने है। तो बहुत बड़े खतरे हैं। ये छोटी मोटी घटनाएं जिस तरह से हो रही हैं, वो छोटी मोटी घटनाएं नहीं है। ये लोग उसको आस्था का सवाल बना करके खड़ा कर रहे हैं। यह एक उस चिंगारी की तरह है कि जब वो छोटी रहती है तो लगता है इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसको छोड़ दिया जाए तो पूरा जंगल जल जाता है उसी चिंगारी से। तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी कमल भारती के साथ हुआ है वो एक ऐसी चिंगारी है कि इसका विकराल रूप जो है अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो यह पूरा देश जल जाएगा। दूसरी चीज ये कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार इस समय मुस्लिम राजनीति को ट्रीट कर रही है, वो चाहे नोएडा का वो एक दीवार गिराने का सवाल हो या कमल भारती को गिरफ्तार करने, इसके पीछे यही तर्क दिया गया कि अगर ये स्टेप नहीं लिया जाते तो पूरा उत्तर प्रदेश जल जाता। तो मुलायम सिंह की सरकार खुद इस चीज का प्रचार कर रही है कि मुसलमान सबसे ज्यादा आतंकवादी होते हैं, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश अगर दीवार गिराने पर या फेसबुक पर लिखने से जल जाता तो ये किसकी तरफ इशारा है? ये मुसलमानों की ही तरफ इशारा है ना कि वो पूरे उत्तर प्रदेश को जला देते, इसलिए ये एक्शन लिए गए हैं दोनों के खिलाफ। तो इसके पीछे भी छिपी हुई यह राजनीति देखने की है। ये बहुत ही गलत दिशा में उत्तर प्रदेश की राजनीति जा रही है, जो कि न सिर्फ जातिवादी है बल्कि एक धार्मिक फंडामेंटलिस्ट भी है। किसी भी एक धर्म को के लोगों को उकसाना वो जो है वो इतना खतरनाक है इस देश में। इसका परिणाम हम बाबरी मस्जिद के गिराने के बाद से देख रहे हैं। तो मैं आपसे यही अपील करूंगा कि अगर भारत को एक सेकुलर रूप में देखना है, भारतीय समाज को एक सेकुलर समाज के रूप में देखना है, तो ये धार्मिक फंडामेंटलिज्म, ये जो जातिवादी जो राजनीति है और ये क्षेत्रीयतावादी जो सिर उठा रही है जो शक्तियां, उसके खिलाफ लड़ना बहुत जरूरी है। इन्हीं शर्तों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद।